नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भोपाल सहायता की घोषणा कर कोरोना मृतकों के परिजनों को भूली सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज जारी एक बयान में राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण असमय काल कवलित हुए नागरिकों के परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि की घोषणा सरकार द्वारा मई 2021 में की गई थी। महामारी के प्रथम एवं द्वितीय लहर के दौरान प्रदेशवासियों ने देखा कि कोरोना की जाँच और इलाज के लिए समुचित प्रबंधन नहीं हुए। प्रदेशवासी इलाज के लिए अस्पताल भटकते रहे। जरूरी दवाओं, इंजेक्शनों, और ऑक्सीजन की व्यवस्था तक नहीं हो सकी और परिजन दर दर भटकते रहे और इन सभी की खूब कालाबाजारी भी हुई। सरकार के कुप्रबंधन के कारण हजारों लोगों की मौत भी हुई और सरकार ने उनकी कोरोना से हुई मृत्यु को नकारा। मध्य प्रदेश की घोषणा वीर सरकार घोषणाएं करके भूल जाती हैं। मई 2021 में घोषणा की गई थी कि प्रत्येक कोरोना मृतकों के परिजनों को 1,00,000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि दी जाएगी। इस घोषणा को किए 4 माह का समय हो गया है और अब तक ना तो सरकार ने कोई योजना जारी की है, ना ही किसी पीड़ित परिजन को सहायता राशि देकर संबल प्रदान किया है। कोरोना पीड़ित परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि का वितरण मात्र कोरी घोषणा बनकर रह गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दी जाए। भोपाल संभाग ब्यूरो, दीपक वर्थी की रिपोर्ट।